नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आनंद जोन। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं Realme X7 Pro स्मार्टफोन जो कि डुअल सिम प्लस 5G कनेक्टिविटी के साथ चाइना में लॉन्च किया गया है और जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वहाँ पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, Realme ने सितंबर महीने में दो स्मार्टफोन Realme X7 और Realme X7 Pro लॉन्च किए थे। ये दोनों ही स्मार्टफोन उस वक्त चीन में लॉन्च हुए थे। अब कंपनी इन स्मार्टफोन को अपने घरेलू बाजार से बाहर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चीनी ब्रांड ने इस बात की पुष्टि की है कि Realme X7 Pro स्मार्टफोन थाईलैंड में 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, जो कि इस फ़ोन की ग्लोबल मार्केट में पहली एंट्री है और जल्द ही ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कुछ खास बातें। Realme X7 Pro स्मार्टफोन में 6.55 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पर, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इसके साथ ही स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.6% है। यह डिस्प्ले 5th जनरेशन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा गोरिल्ला ग्लास माना जाता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 12.0 निट्स है। X7 Pro स्मार्टफोन को MediaTek के डायमेंसिटी 1000++ FOC और 9 कोर मेली G77 ग्राफिक प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। Realme X7 Pro स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, वहीं तीसरा इमेज सेंसर 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। इस स्मार्टफोन में सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि सेल्फी लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Realme X7 स्मार्टफोन की तरह ही है और X7 Pro में डुअल फ्रिक्वेंसी GPS दिया गया है। तो अब इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं। तो Realme X7 Pro स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 4500 mAh की दी गई है और बैटरी की फास्ट चार्जिंग के लिए 65 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि इस स्मार्टफोन को करीबन 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, 0 से 100% केवल 40 मिनट में ही ये फुल चार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो अगर इसकी कीमत की बात करें तो Realme X7 Pro को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का पहला वेरिएंट है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी कीमत करीब 23,500 रुपये है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत 20,000 से ऊपर ही रहेगी। बहुत से आर्टिकल को मैंने देखा है, वहाँ पर इसकी कीमत 20,000 से ऊपर ही है। मैंने YouTube पे बहुत से लोगों को बताते हुए देखा है कि इसकी कीमत 20,000 से कम रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना में भी इसकी कीमत 20,000 से ज़्यादा ही है। अब दूसरे वेरिएंट की बात करें तो ये 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और इसकी कीमत करीब 26,700 रुपये है। और अब लास्ट और तीसरा वेरिएंट की बात करें तो ये 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और इसकी कीमत करीब 34,000 रुपये है। और इन तीनों वेरिएंट में एक सिमिलर बात है कि आप इनमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आप Realme X7 Pro स्मार्टफोन का स्टोरेज नहीं बढ़ा सकेंगे। और Realme X7 Pro स्मार्टफोन की कलर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लू पिंक ग्रेडियंट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, Realme X7 Pro स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के स्क्रीन पर दिया गया है और सिम कार्ड स्लॉट स्मार्टफोन के निचले हिस्से में दिया गया है। आपने करीब करीब सारे स्मार्टफोन में सिम कार्ड स्लॉट को स्मार्टफोन के साइड में देखा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट स्मार्टफोन के निचले हिस्से में दिया गया है। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कौन से स्मार्टफोन में देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।